हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे अजीब और चौंका देने वाले जानवरों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। द मैक्सिकन वॉकिंग फिश। 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाली ये मछली 10 से 15 साल तक जिंदा रहती है। इसके चारों पैरों के वजह से ये आसानी से चल सकती है। इसकी और एक खासियत ये है कि ये अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स उगा सकती है। ये मछलियाँ पिंक, ब्राउन, ग्रे, रेनबो या सिल्वर, इनमें से किसी भी रंग में पाई जाती हैं। आर्चर फिश। ये मछलियाँ पानी के अंदर ही भोजन की तलाश नहीं करती, बल्कि पानी के सतह के आसपास बैठे कीट पतंगों का शिकार भी करती हैं। वो पहले सावधान पूर्वक शिकार के आसपास आती हैं। ये मछलियाँ अपने गलफड़ों में पानी इकट्ठा करती हैं और एकाएक बहुत ही तेजी से पानी का धार उनके शिकार पर छोड़ती हैं। अचानक हुए हमले से शिकार संभल नहीं पाता और पानी में आ गिरता है। उसके बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। आर्चर फिश पानी के ऊपर बैठे कीट पतंगों के ऊपर पानी की तेज धार से वार कर उन्हें पानी में गिरा देता है। इसका निशाना इतना सटीक होता है कि वो 6 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक कीड़ों का बड़ी आसानी से वार कर एक ही वार में गिरा देता है। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पानी से आर पार जब किसी चीज को हम देखते हैं तो एक्चुअल में वो चीज उस जगह नहीं होती, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन फिर भी ये मछली पानी के अंदर से इतना सटीक निशाना लगा लेती है। ग्लास ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों के गहरे पानी में रहते हैं। इस ऑक्टोपस के बहुत रेयर होने के कारण इसके बारे में बहुत कम ही पता चला है और इस ऑक्टोपस के फोटोज और वीडियोस बहुत कम अवेलेबल हैं। इस ऑक्टोपस का बॉडी कलरलेस होता है। पिग्मी मार्मोसेट। ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला ये बंदर जन्म के समय एक उंगली से भी काफी छोटा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 7 इंच तक बढ़ते हैं और इसका वजन 100 ग्राम तक होता है। इनकी पूंछ 8 इंच तक लंबी होती है। ये बंदर दिखने में बहुत ही प्यारे और सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मुश्किल से मिलने वाले इस बंदर को पालने के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। डोम्बो ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस बहुत गहराई में पाया जाता है, लगभग 7000 मीटर गहराई पर। इस डम्बो की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ये तैरने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करता है। इसका नाम डम्बो ऑक्टोपस इसलिए है क्योंकि इसका कान एक कार्टून कैरेक्टर डम्बो एलिफेंट जैसा दिखता है। पेंगोलिन। ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला अजीब किस्म का स्तनधारी जीव है। इसकी जीभ बहुत लंबी होती है, जिससे ये आसानी से दीमक और चींटियों को खा लेता है। सुरक्षा के लिए इसके शरीर पर केराटिन का कवच होता है, जो उसे दूसरे शिकारी जीवों से बचाता है। इस तरह का कवच दूसरे स्तनधारी जीवों में देखने को नहीं मिलता। अपने कवच के वजह से इसका शिकार बहुत ज्यादा होता है और ये प्रजाति खतरे में आ गई है। थॉर्नी ड्रैगन। भूरे रंग के ये छिपकली शिकार को चकमा देने में माहिर है। इस छिपकली का एक नकली सिर भी होता है, जिसे वो अपने शिकार को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करती है। ये छिपकली सिर्फ चींटियों का शिकार करती है। मेंटिस श्रिम्प। मेंटिस श्रिम्प झींगा दुनिया का सबसे ताकतवर झींगे का प्रजाति है, जो अपने एक ही मुक्के के वार से शिकार को चित कर देता है। ये झींगा अपनी आगे के पैर इतनी तेजी से चलाता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसकी पंच की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पंच पड़ते ही तेज आवाज के साथ चिंगारी उठती है और उस जगह के पानी में भाप बन जाता है। ऐसे प्रहार को इसका शिकार झेल नहीं पाता और वहीं दम तोड़ देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके हमले की रफ्तार पलक झपकने से भी 50 गुना तेज होता है और हमले की ताकत 0.22 कैलिबर बुलेट जितनी होती है। इस जीव की आंखों में भी कई खूबियां होती है। इसकी दोनों आंखें इसके सिर के ऊपर एक एंटीना की तरह उठी हुई और उभरी हुई होती है। इसकी दोनों आंखों के बॉल अलग अलग दिशाओं में काफी पीछे तक घूम सकते हैं। दुनिया भर में इस जीव की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे आकर्षक पीकॉक मेंटिस श्रिम्प होता है। द मेरी रिवर टर्टल। ये अजीब से दिखने वाला टर्टल के सिर पर एल्जी उगने के वजह से इसे ग्रीन हेयर टर्टल यानी कि हरे रंग के बालों वाले टर्टल कहा जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि यह टर्टल अपने जेनेटल से पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये पानी के अंदर 3 दिन तक बिना सांस लिए रह सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।